होटेलियर्स डेक जो कि है रोहिणी सेक्टर 11 में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस एपिसोड ऑफ तेरे यहाँ मैं, आज हम कवर करने वाले हैं होटेलियर्स डेक जो कि है रोहिणी सेक्टर 11 में, गर्ल्स ट्रेड सेंटर में। यहाँ की बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वैरायटी का खाना मिलेगा जो मोस्टली दिल्ली में कहीं खाया नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ के आउटलेट का इनसाइड आउटसाइड सारा कुछ। शब तब शब दुबा। हाय, आई एम पारस। 14 अगस्त को स्टार्ट किया ये हमने, देन उसके बाद अभी हम यहाँ अभी पहुँचे हैं, 3 मंथ्स हुए हमें। लकीली काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लब सैंडविच आप देख सकते हो इसका साइज़ कितना बड़ा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स यूज़ की हुई हैं वेजिटेबल्स की। इसमें भी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा, और अनियन, कुकुम्बर, आपको बंद गोभी मिलेगी इसमें, और टमाटर भी है अंदर अगर हम देखेंगे तो। फुली ओवरलोडेड सैंडविच लग रहा है मुझे, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, खाने में देखते हैं। तो ये जो क्लब सैंडविच है ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स की लेयर हैं। नीचे भी इन्होंने प्याज, टमाटर और कुकुम्बर की प्रॉपर लेयर्स, और इसके ऊपर भी इन्होंने सेम उस लेयर को यूज़ किया है। सो ओवरऑल 4 ब्रेड्स का यूज़ करके इन्होंने इसे बनाया है। लेयर्स अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। सॉसेजेस काफ़ी यूज़ की हैं, मेयो चीज़ काफ़ी यूज़ किया है, और आपको देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। कॉकटेल पनीर मोमोज है जिसमें 8 पीसेस देंगे, साथ में इन्होंने केचप और हरी चटनी दी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और इसकी ग्रेवी का टेस्ट ही अपने आप में बहुत अलग है। आपने मार्केट में कहीं इस तरीके की ग्रेवी का टेस्ट नहीं खाया होगा। इसमें आपको प्रॉपर कैप्सिकम, कॉर्न्स, अनियन भी मिल रहे हैं, और काफ़ी क्रिस्पी लगता है जब हम इसे इसकी बाइट लेते हैं तो। नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारी हुआ है समुराई। तो इसमें इन्होंने 2 लेयर्स ऑफ ब्रेड्स को यूज़ करके उसमें पनीर, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, अनियन, कैप्सिकम, चीज़, मेयो, चिली फ्लेक्स, मेयोनीज सब डाला है। ये पूरी 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर में ये सारा आपको दिख रहा है, और ऊपर की टॉप लेयर ऐसे है। तो करते हैं इसे ट्राई। वेजिटेबल्स से ओवरलोडेड है ये, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। टेस्ट आ रहा है सारी कैप्सिकम का, पनीर का, इसके अलावा जो चीज़ जला हुआ है उसका। खाने में अच्छा है, आप एक बार आओ तो ट्राई कर सकते हो। भरा हुआ स्प्रिंग रोल है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसमें चीज़ डली हुई है।
नूडल्स हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं। इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया है कहीं पर भी चीज़ स्प्रिंग रोल, ये फर्स्ट टाइम है मैं ट्राई कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि प्योरली आपको चीज़ मिलेगा, इसमें आप प्रॉपर वेजिटेबल्स का, नूडल्स का फ्लेवर आ रहा है और साथ में चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। मुझे ये आइटम बहुत पसंद आई, आप आओ यहाँ तो ज़रूर ट्राई करें।